तो पहला जो चैप्टर मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ, डेट इज ट्रायल बैलेंस। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो ट्रायल बैलेंस होता है लेजर के बाद अगला स्टेप समराइज, वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है लेजर का, डेट इज ट्रायल बैलेंस। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लो, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो देखो पहला पॉइंट यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस। तो क्या, इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग, एक स्टेटमेंट जो क्या शो करता है, स्टेटमेंट शोइंग क्या, द बैलेंस ऑफ टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द अकाउंट इन लेजर विद द व्यू ऑफ वेरीफाइंग द अर्थमेटिकल, देखो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग इन टू द लेजर अकाउंट। मतलब आपने जो लेजर में पोस्टिंग करी है वो अगर आपने सही करी होगी तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है कि आपने लेजर सही बनाया है या नहीं बनाया है। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने का, अगर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या, तो लिखा है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चले, सीधी सी बात है, पहला तो ये हो गया अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कि आपने लेजर ठीक बनाया नहीं बनाया। दूसरा एरर पता चले, एरर कैसे पता चलेगा भाई, तो अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, तो अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करा इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलत करा, तो ये आपको एरर्स को भी लोकेट करता है। और थर्ड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो आपको याद होगा फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट में हमारे पास दिया होता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मीन बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना, नेट प्रॉफिट निकालना, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, बैलेंस शीट बना के पोजीशंस निकालना, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है। लिमिटेशंस की अगर बात की जाए कि क्या क्या लिमिटेशंस है, तो देखो लिमिटेशंस बताता हूं, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल्स को मेजर नहीं कर पाता, डिडक्ट नहीं कर पाता। रॉन्ग अमाउंट है पर एंट्री ठीक है, ऐसी गलती हो उसको डिडक्ट नहीं कर पाएगा। एरर ऑफ ओमिशन को ये नहीं बताता, मतलब अगर कोई एंट्री को आप कंप्लीट भूल जाओ तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। नाम गलत कर दिया अमाउंट ठीक है, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। प्रिंसिपल्स की गलतियां, रेवेन्यू को कैपिटल मैनेजर में कर दिया, गलती हुई है पर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिनको ट्रायल बैलेंस के एरर जिसको ये लोकेट नहीं कर पाता, ये इसकी क्या है कमियां है। तो लिमिटेशंस यही सब इसकी, एरर प्रिंसिपल को नहीं बताता, एरर ऑफ ओमिशंस को नहीं बताता, रॉन्ग अमाउंट वाली अगर एंट्रीज करते हैं तो उसकी गलतियों को नहीं बताता, रॉन्ग साइड में लिखा है पर ठीक है उसकी गलती को, तो ये सब इसके क्या है लिमिटेशंस है। तो यहां से ये हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव पूछ दे, लिमिटेशंस पूछ दे, थ्योरी का पार्ट है। और इसमें एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट है वो भी देख लेते हैं। तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, बहुत ही छोटा और आसान। तो अगर प्रैक्टिकल की बात करें ट्रायल बैलेंस की, तो बहुत ही छोटा सा आसान सा फॉर्मेट है इसका, तो ध्यान से समझ लो, आपका क्वेश्चन एकदम चुटकियों पर हो जाएगा। नेम ऑफ अकाउंट, सीरियल नंबर, LF डेबिट और क्रेडिट। तो देखो जो इसका अकाउंट इसमें आता क्या क्या है, तो एसेट्स और एक्सपेंस जो होते हैं आपको आइडेंटिफाई करना आता है कि एसेट्स और एक्सपेंस क्या होते हैं। तो ऐसे एक्सपेंस आएंगे डेबिट में, ठीक है, लायबिलिटीज, कैपिटल और रिवेन्यू, ये आएगा आपका क्रेडिट में। और जीएसटी में अगर इनपुट है जीएसटी का, तो इनपुट जीएसटी डेबिट में और आउटपुट जीएसटी क्रेडिट में। उसके बाद ये आपका ट्रायल बैलेंस हो जाता है मैच। इन केस किसी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो किससे अगर बैलेंस बचता है तो बैलेंस जाता है सस्पेंस अकाउंट में। तो सीधा सा फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का, फॉर्मेट पीछे मैंने लिख दिया आपको क्या करना है, एसेट्स और एक्सपेंस जो होना है आपका, तो एसेट्स और एक्सपेंस आने आपके डेबिट में। एसेट्स में जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, रेंट पेड, सैलरी पेड, एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट। लायबिलिटीज कैपिटल रिवेन्यू, लायबिलिटीज कैपिटल रिवेन्यू में क्या हो गया, जैसे क्रेडिटर, बैंक लोन, कैपिटल, कैपिटल डायरेक्ट, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, तो कोई भी लायबिलिटीज कैपिटल रिवेन्यू है तो वो आपका क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद जीएसटी में अगर इनपुट जीएसटी है, तो इनपुट जीएसटी आपको पता है एसेट्स होता है तो डेबिट में, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटीज है तो क्रेडिट में, फिर टोटल करोगे दोनों साइड मैच कर जाएगा। इन केस कभी मैच नहीं करता तो वो जो ट्रांसफर होता है वो कौन से अकाउंट में होता है, तो सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट मैच देन विच अकाउंट इज ओपन, तो वी विल ओपन सस्पेंस अकाउंट। तो एक यहां से छोटा सा क्वेश्चन आपका बन सकता है, आपके पास पॉइंट देंगे बोलकर आपको एक ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो बस सीधे सीधे आपको एसेट्स लायबिलिटीज आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आइडेंटिफाई करना तो आपको आता ही है, उसको भेज देना बस खत्म। एसेट्स एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटीज कैपिटल रिवेन्यू क्रेडिट, टोटल कर दो मैच। एक और ट्रिक है इसमें ट्रायल बैलेंस में कि साथ जितने भी आइटम दिए सबको जोड़ो, दो से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो ट्रायल बैलेंस का टोटल होगा, ठीक है। तो इसी के साथ इतना ही है, इसके अंदर एक दो क्वेश्चन आप इसके कर लेना बुक से, इसके साथ आपका ये चैप्टर के जो टॉपिक्स है खत्म हो